नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें करने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा वह कार्य जरूर करते हैं उन्हें पता होने के बावजूद, लेकिन इसके हमारे शरीर पर बहुत गलत प्रभाव पड़ते हैं। जानते हैं वे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। नंबर एक, हमने यह खास कर देखा है कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें नींद और सुस्ती आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, नींद आ भी रही हो तो थोड़ा बहुत टहल नहीं सकते, वह बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन पे और हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापन भी आ जाता है। नंबर दो, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहा भी लेते हैं। जैसे हमने खाना खाया है, खाना खाने के बाद हम तुरंत ही नहा लेते हैं। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में और हमारे शरीर में पाचन क्षमता की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता। और एक और कारण भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अनुसार नहाने का समय तय किया गया है, हमें या तो सुबह नहाना चाहिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय। ऐसा करने से हमारे जीवन पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, और यदि हम खाना खाने के बाद नहाते हैं तो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नंबर तीन, चाय ना पिए। मतलब ये कि आप सुबह चाय तो पीते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे शौकीन होते हैं कि चाय के लिए आप खाना खाने के बाद भी पेट में चाय के लिए जगह छोड़ देते हैं, लेकिन वह चाय आपके पेट में एसिडिटी बढ़ा देती है। तो कोशिश करें कि आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय बिल्कुल ना पिए। नंबर चार, फल ना खाएं। वैसे तो फल हमारे जीवन में सबसे अच्छे और पौष्टिक तत्व माने जाते हैं, लेकिन आपको भोजन खाने से पहले और भोजन खाने के बाद आपको फल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यदि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद फल का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से आपके पेट में गैस भी बन सकती है, जिसकी वजह से आपको पेट दर्द भी हो सकता है। तो आपको खाना खाने के बाद या पहले फल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर पाँच, वॉक ना करें। आपने खास कर देखा होगा, कुछ लोग खाना खाने के बाद हमेशा वॉक के लिए चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका जितना भी पोषण है वह आपके शरीर को नहीं लगता। तो ये है वह कार्य, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका भोजन करने के बाद आपको इसका पोषण नहीं मिलता। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।